बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ चुकी हैं सोनाली बेंद्रे और बीते दिनों ट्विटर अकाउंट पर इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें हाई ग्रेड कैंसर हुआ है। साथ ही वो इलाज के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो चुकी हैं और सोनाली ने इस बात का खुलासा खुद किया था कि उनका कैंसर आखिरी स्टेज पर है। आपको बता दें कि सोनाली बेंद्रे की इस खबर के बाद से बॉलीवुड और साथ ही साथ उनके फैंस दोनों उनके जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। तो वहीं इस बात पर भी गौर की जाए कि भारत से दूर अमेरिका में सोनाली का इलाज चल रहा है और इस दौरान रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि सोनाली की लापरवाही की वजह से ही उन्हें कैंसर हुआ है। दरअसल खबरों के अनुसार डॉक्टर्स का ये कहना है कि सोनाली की लापरवाही की वजह से उन्हें इस बीमारी का इतने आगे के स्टेज तक पहुँचने के बाद पता चल पाया है। और तो और ये भी खबर रही कि एक्ट्रेस सोनाली को काफ़ी लंबे समय से शरीर में दर्द की शिकायत थी जिसे वो पूरे तरीके से अनदेखा करती रही। जब ये उनकी बीमारी खतरनाक स्टेज पर पहुंच गई तो उन्होंने फिर टेस्ट करवाए जिसमें उन्हें कैंसर होने की खबर मिली। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्हें ये भी पता लगा कि उनका कैंसर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्टेज पर पहुँच चुका है। लेकिन अगर वो समय से जांच करवाती तो शायद उन्हें काफ़ी पहले से इस बीमारी का पता चल जाता और फिर उन्हें इलाज के समय ज़्यादा दर्द नहीं झेलना पड़ता। और फिलहाल अच्छी बात ये है कि अभी भी उनके बचने की पूरी संभावना है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है और रिपोर्ट्स भी ऐसी ही आ रही हैं। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।